जानते हैं और ना जानते हैं, मजहब की सिग्निफिकेंस जानना चाहते हैं, मजहब में ऊंधे उतर के मजहब की हालत को जानना चाहते हैं, ऐसे आप में अगर कोई है तो मैं ये कहता हूं कि कभी कभी किसी मस्जिद में चले जाओ, इस नशरी मस्जिद में नहीं। क्यों नहीं जाना? इसलिए कि वो 12 इमाम का सजदा करते हैं जो हम नहीं मानते, मगर सुन्नियों की मस्जिद में जाना और आंखें खोल के रखना कि आप देखोगे कि किस वो लोग जब नमाज का वक्त होता है तो दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, कंधे के साथ कंधा मिला है, एक आवाज के ऊपर सर करते हैं, एक आवाज के ऊपर कायम करते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये समझने की बात है, 10 आदमी होंगे तो एक लाइन में खड़े होंगे, हमारे जमात खाने की तरह 2-5 इधर 5-7 उधर, बीच में फुटबॉल ग्राउंड अगर खुली ग्राउंड होती है उनमें नहीं है। हम ये खामी है हमारा खानों के अंदर, लोग थोड़े लोग होंगे तो 2-4 इधर होंगे, 2-4 होंगे, बीच में जगह खाली होगी। वो जो सिग्निफिकेंस है यूनिटी की हमारी जमात नहीं है, हालांकि हमको हमारे पीरों कहा गया कि मुख्य कमरिया के पीठ के सामने आके बैठो, जितने नजदीक बैठ सकते नजदीक बैठो,